सिर्फ 32 दिन बाद दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है दोस्तों। बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी कैसे काम कर पाएगी। 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों, कैंपेनिंग में उनको दिक्कत हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को मेडिकल राहत तो नहीं मिली दोस्तों, पर एक दूसरी राहत मिल गई है कि अब वो एक मेडिकल बोर्ड बन जाएगा जो उनकी स्वास्थ्य की बात करेगा। अब मैं बात करता हूं लीगल और पॉलिटिकल राहत की दोस्तों। लीगल और पॉलिटिकल राहत मिलती भी नहीं दिख रही है कि और अब आम आदमी पार्टी सोच रही बिना केजरीवाल के कैंपेनिंग कैसे। देखिए दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग में बस 1 महीने का वक्त बचा है, मगर सीएम अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की तारीख टलती जा रही है। आज कोर्ट में जो हुआ उसे संकेत मिला कि हो सकता है केजरीवाल चुनाव निपटने तक अंदर ही रहें। कोर्ट ने निजी डॉक्टर से सलाह की, केजरीवाल की याचिका ठुकरा दी। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह की मांग की थी। इंसुलिन देने पर कोर्ट ने कहा कि ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा। मेडिकल बोर्ड ही केजरीवाल का डाई चार्ट भी तैयार करेगा। तिहाड़ प्रशासन हर 15 दिन में कोर्ट को हेल्थ रिपोर्ट पेश करेगा। मेडिकल बोर्ड बनने से केजरीवाल की पार्टी खुश हुई, लेकिन साजिश के आरोप रिपीट भी किए। जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक घटना और हुई, केजरीवाल की रिहाई के लिए एक लॉ स्टूडेंट ने कोर्ट में PIL लगा दी थी। कोर्ट ने उल्टे उस पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। आज कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ना केवल बेल रिजेक्ट की बल्कि 75,000 रुपए का उनको जुर्माना भी लगाया पिटिशनर को। आम आदमी पार्टी की चिंता डबल है, केजरीवाल के बाहर आने की तारीख नहीं आ रही और उधर दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग डेट पास आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों आपके चुनावी प्रोफेसर का एनालिसिस साफ है, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट में दिल्ली के अंदर 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला था और 7 सीट में भारतीय जनता पार्टी का 2014 से ज्यादा वोट शेयर आया था। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगता है कि ग्राउंड पे सिंपति है तो भले अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हो, उनको चुनाव के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। सिंपति वोट जेल के अंदर रहते हुए भी पड़ सकता है, पर अगर सिंपति नहीं है तो फिर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर जो है 7 सीटों में ले सकती। गौर करने वाली बात तो ये, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सीट पे कैंपेनिंग अभी तक दिल्ली में नहीं करी है। अब मैं आना चाहता हूं जो तिहाड़ जेल के DJ का इंटरव्यू सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि भाई जेल पर उंगलियां क्यों उठा रहे हो, हमारे पास डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हम सबकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, भले वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई दूसरे कैदी। सुनिए, अभी फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल जो है उनकी तबीयत कैसी है सर? मेरे सब अंदर इनमेट्स की तबीयत ठीक है, उनके पास जिनकी तबीयत अस्पताल में भी हैं कुछ लोग, उनके पास मेडिकल इलाज की सुविधा माहौलत। उनसे जुड़ी सर एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और लगातार वो इंसुलिन की मांग भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर भी आरोप लगा रही है कि जो है जेल प्रशासन मिला हुआ है, इस तरीके के एलिगेशंस लगा रही है। इस पर सर आपका क्या कहना है? इट्स अ सब जुडिस मैटर, आई डोंट लाइक कमेंटिंग, बट फॉर योर व्यूअर्स मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास 20,000 कैदी से ज़्यादा है और हर तरीके की बीमारी के लोगों को होती है। जहाँ तक आपने शुगर की बात कही है तो करीब 900,000 के बीच में ऑन एन एवरेज पेशेंट हमारे पास शुगर के भी मरीज़ होते हैं, जिनको हमारे 90 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो उनको ट्रीट करते हैं या रेफरल हॉस्पिटल्स में भी उनको एक्सपर्ट से दिखाया जाता है। ये एक आम सामान्य प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है, तो हर केस में करते हैं, इसमें भी करते हैं, तो मुझे कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता इसमें। भगवत मान आए थे सर मिलने के लिए, उन्होंने भी कहा कि सर आतंकवादी जैसा सलूक कर रही है तिहाड़ जेल के अंदर, उनके साथ किया जा रहा है, तो कैदी तो और भी रहते हैं सर, तो उन्हीं को लेकर के ऐसा एलिगेशन लगाना वो भी तिहाड़ जेल प्रशासन पर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है सर, तो कहीं ना कहीं मन भी आपका एक अजीब सा फील करता होगा सर इस बात को सुन करके। देखिए बाहर लोग क्या कहते हैं इसका मेरा अख्तियार नहीं,
उन्होंने किस कारण से कहा इसका जवाब मैं नहीं दे सकते, मुझे देना भी नहीं चाहिए। सर जो खाना घर से आ रहा है तो क्या उसको पहले आप चेक करते हैं सर कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है ताकि उनकी सेहत ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा प्रावधान है सर जेल में? देखिए उनके लिए खाना आता है एक कोर्ट आदेश के अनुसार और वो हम फॉलो करते हैं। उसके लिए इनमेट की किसी के लिए भी इस तरह की व्यवस्था कभी कभी हो जाती तो है, तो उसके कि वो सेहत उसकी ठीक रहे इसके मद्देनज़र रखते हुए जो जो स्टेप्स हमें लेने होते हम लेते हैं। दोस्तों साफ है तिहाड़ जेल के जो डीजी है वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और फैक्ट्स के साथ है, ऐसा तो नहीं ग्राउंड पे सिंपति बिल्कुल नहीं चल रही और फैक्ट्स जो आम आदमी पार्टी को लपेटों में ले रहा है ये समय और वक्त ही बताएगा। Zee News.